इस प्रकरण में यह मामला था कि ये जो दो स्तरीय चुनाव विधान परिषद का होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान और बीडीसी इसमें मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इमलसी के चुनाव में श्रीमती कंचना सिंह प्रत्याशी थी और श्री मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे। चुनाव के बाद मतगणना का कार्य चल रहा था तहसील परिसर के हाल में, और उस हाल में जब 3:15 का समय था तो उस समय सूचना प्रसारित होने लगी कि संभवतः ये मनीष जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद से कुछ लोगों के साथ, सहयोगियों के साथ, ये सभी सातों लोग तहसील परिसर में उस हाल में जिसमें मतगणना चल रही थी वहाँ ये लोग पहुँच गए, और जाते समय गेट से लेकर के हाल तक जो पुलिसकर्मी आए उनसे उनको इधर उधर करते हुए, धक्का मुक्की होते हुए हाल में पहुँचे और वहाँ पुनः मतगणना का मांग करने लगे। इसी बात के लिए विपक्षों द्वारा विरोध किया गया, जिस पे कहा सुनी हुई थी और कुछ कुर्सियाँ टूटी थीं, कुछ मतपत्र गायब हुए थे और कुछ ज़्यादा हंगामा हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी थे सीओ ओम प्रकाश सिंह, जो सीओ कलवारी समय हुआ करते थे, उनको चोटें आई थी। इसके अलावा जो वहाँ एआरओ थे और आरओ थे, सबसे कुछ न कुछ कहा सुनी हुई थी। इस संदर्भ में वो जो हंगामा हुआ हाल के अंदर, उसको लेकर के ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 7 लोग मुलजिम बनाए गए थे। 8वां मुलजिम ब्रजभूषण सिंह पूर्व प्रमुख को भी बनाया गया था, जो मुकदमा के दौरान उनकी डेथ हो गई और उनके खिलाफ मुकदमा पहले ही अबेट हो गया। मुकदमा 2003 से लेकर के आज 2023 तक ये चलता हुआ अंतिम निर्णय पर पहुंचा था, जिसमें इन 7 मुलजिमान को उनको दो सिद्ध घोषित किया गया है और उनको 3 वर्ष की सजा का न्यायालय ने सुनाया है और कुछ जुर्माना भी किया है।